सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में सीएम योगी करेंगे बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां थोड़ी देर में सीएम बैठक करेंगे, गोरखपुर कमिश्नरेट में सीएम योगी करेंगे बैठक, गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ होगी मीटिंग। विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी करेंगे समीक्षा, गोरखपुर मंडल के सभी अधिकारियों के साथ अब बैठक करेंगे और सभी अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, थोड़ी देर में सीएम योगी करेंगे बैठक। सुबह दर्शन पूजन के बाद सीएम ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की परेशानियां सुनी और अब बैठक करेंगे, गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ होगी मीटिंग। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, वहीं सीएम योगी के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्या सुनी। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे आज सीएम योगी। बता दें कि शनिवार को सीएम योगी ने गोरधोइया नाले की सफाई का निरीक्षण किया था, तो वहीं आज यानी कि अपने दौरे के दूसरे दिन भी कई निर्धारित है काम सीएम योगी के, जिसके चलते वो आज पूरा दिन व्यस्त रहेंगे और जिले के तमाम विकास कार्यों का जायजा। तो सीएम योगी अपने रोज की यानी कि दिनचर्या के हिसाब से सबसे पहले सुबह उन्होंने दर्शन पूजन किया गोरखपुर मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं उसी तरह से पूजा अर्चना की, जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी और अब बैठक करेंगे जिसमें कई जनप्रतिनिधि जिले के शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिले के विकास की समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों की, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देंगे, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं आज? दिनचर्या होती है वो गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं और भगवान श्री गोरखनाथ के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर अपने गुरु के समाधि पे जाते हैं और वहाँ जाकर के वो कुछ प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पे पहुँच करके उनको जो है वहाँ से आशीर्वाद करते हैं, उसके वहाँ से निकलते हैं और जनता दर्शन का कार्यक्रम करते हैं। जहाँ पे फरियादी आ जाते हैं और फरियाद सुनते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, किसी के साथ अचानक क्योंकि उनको समीक्षा बैठक आज करनी थी और 10 बजे का समय निर्धारित था लेकिन कुछ विलंब की वजह से लेट हुआ है। लेकिन आपको बता दें इसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल आपातकालीन रूप से एक बैठक बुलाई, जिसमें मंडल के सारे वरिष्ठ अधिकारी से लेकर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिसके जवाबदेह हर चीज के लिए उनको बुला लिया गया है और साथ में सभी जनप्रतिनिधियों को बुला लिया गया है। ऐसे में समीक्षा बैठक कमिश्नरी में चल रही, कमिश्नर एडीजी और इसके साथ सभी जिलों के मंडल के जितने जिलाधिकारी हैं सभी को यहाँ बुला लिया गया है और उनके साथ समीक्षा बैठक चल रही है। एक्शन के मोड में योगी आदित्यनाथ जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जितनी परियोजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता, उनके समय अवधि के ऊपर भी चर्चा होगी और उनकी जानकारी मिलेंगे। इसके साथ ही किसी न किसी पे हो सकता है कि सीएम योगी का गाज भी गिर जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने कड़े रुख के लिए माने जाते हैं और जाने जाते हैं कि उनके कड़े फैसले होते हैं। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए सीएम के द्वारा विकास कार्यों की, जो आज समीक्षा करी जाएगी उससे संबंधित, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि अभी प्रगति पर है, दूसरे कार्यकाल में जिले में वो विकास कार्य होने बाकी है? देखिए गोरखपुर में बता दें सड़क की परियोजनाएं हैं, सुंदरीकरण है और हैंगिंग होटल है, इसके अलावा कई ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। उनके बचे हुए गोरधैया नाला जो है बन रहा है 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहा है, ऐसे में उसकी गुणवत्ता पे कल ही उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया और सक्षम अधिकारी से इसके रिलेटेड चाहे नगर निगम के हो चाहे जीडीए के हो उन सबको जो है निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द और गुणवत्ता के साथ इसको बनाया जाए समय अवधि के, और इसी के बाद से जो है कुछ लोगों से मिले भी उसकी जनता के और बच्चों से मिले, वहाँ पे उन लोगों ने बच्चे आ गए, उन्होंने बोला कि भाई क्या करते हो
तो उन्हें पक्के हो, तो उन्होंने कहा मेरे को पैसे में, उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे प्रॉब्लम की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए जिलाधिकारी को तुरंत निर्देशित किया कि उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, उनके रहने का आवास का व्यवस्था किया जाए, गरीब तबके के बच्चे हैं। उसी के साथ इन्होंने तत्काल जो है एक फैसला लिया है और मंडल के सारे अधिकारियों को बुला लिया है। गोरखपुर में मंडल, गोरखपुर के जो जितने भी मंडल आपको कमिश्नर दिखा दे, मंडल का मुख्य कार्यालय है यहाँ पे, ठीक पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और उनकी गाड़ी खड़ी है। ऐसे में सीएम योगी अंदर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी, अगर बात करी जाए हिमांशु गोरधोईया नाले की, तो काफी समय से इसको बनाने की मांग भी चल रही थी। इस नाले के बनने के बाद जनता को कौन कौन सी समस्याओं से निजात मिलेगी? बिल्कुल, गोरखपुर की सबसे बड़ी बात है, इसका बता दें कि थोड़ी जल जमाव की समस्या जो रहती है और 9 किलोमीटर का ये जो नाला है ये पूरी तरह से कच्चा नाला हुआ करता था। इसकी पक्का नाला और चौड़ा नाला बनाने के उपेक्ष में और सुंदरीकरण के उपेक्ष में इसकी परियोजना पूरी की गई है और इस तरह से ये जो है 900 करोड़ रुपए के लागत से इसका शिलान्यास किया गया था। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनना है इस नाले को और इसकी जो है कार्यों की समीक्षा करने कल योगी आदित्यनाथ को पहुंचे थे और निरीक्षण किए, उसके साथ ही जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया। जी, विकास कार्य और साथ ही कानून व्यवस्था का तो जायजा लेंगे ही सीएम योगी, इसके साथ साथ जिस तरह से वो जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं उसमें किस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं या किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? मांझू, देखा आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक में आ चुके हैं, कमिश्नरी कार्यालय पे हम खड़े हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ को करना था। ऐसे में यहाँ सीएम योगी के अलावा जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आ चुके हैं तत्काल और एडीजी गोरखपुर जोन आ चुके हैं अखिल कुमार प्रसाद। इसके अलावा बता दें सभी मंडल के जितने भी जिले हैं उनके जिलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ पूरी तरह से इसकी समीक्षा बैठक की जा रही है। जितने भी सक्षम अधिकारी हैं जो जवाबदेह होते हैं उनको बुला लिया गया है और जाहिर सी बात है किसी न किसी एक्शन के मूल में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ हैं और कहीं ना कहीं किसी को गाली की तस्वीर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बड़े तेवर हैं और अचानक ही उन्होंने इस तरीके का बैठक बुला लिया है कि मंडल स्तर की पूरी बैठक बुलाई जाए। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए आज के पूरे दिन के कार्यक्रम के सीएम योगी आदित्यनाथ के, तो आज शाम तक के क्या कार्यक्रम है और लखनऊ के लिए कब रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से? जी बिल्कुल, किसी बता दें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ परीक्षा बैठक कर रहे हैं गीता में किस तरीके से लाना है, ये रोजगार किस तरह से कच्चा लाना है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर जो है हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट को और एयरपोर्ट से जो है सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। तो सीधे तौर पे आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं और सबसे अहम दो काम करने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ, एक का कानून व्यवस्था, साथ ही साथ गोरखपुर विकास योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा करके जानकारी लेंगे कि जो काम अभी प्रगति पर है उनका जो स्टेट है वो कहाँ पर पहुँचा है, अभी तक कितना काम पूरा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फरियादियों की फरियाद भी सुनी है। जितने दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो वहां पे वो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्या भी सुनते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में एक बार फिर दो समुदायों के बीच हिंसा की घटना हुई है। इस बार घटना राजधानी दिल्ली में हुई है जहां कल हनुमान जयंती का मौका था। दिल्ली में कई जगह पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए जिसमें भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतरे। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को एक जगह पर जमा कर आगे बढ़ने से रोका। तो वही दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 7 लोग घायल हुए हैं जिसमें 6 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है। दिल्ली पुलिस के एक SI को गोली भी लगी है। घायलों को दिल्ली के भीमराव अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पूरी दिल्ली में अलर्ट है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। तो दिल्ली में हुई हिंसा में 6 पुलिसकर्मी समेत 1 आम नागरिक यानी कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें इस घटना के बाद से ही दिल्ली को अलर्ट पर रखा है और साथ ही घायलों को दिल्ली के भीमराव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस घटना में SI को भी गोली लगी है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी में बेखौफ बदमाशों ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगातार हो रही फायरिंग से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले पर SSP M मुनिराज के मुताबिक दिल्ली निवासी संजय कुमार को गोली मार दी गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।